हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज राकेश रोशन एंड यू आर वाचिंग योर ओन यूट्यूब चैनल वायरल इन्फो वार। आई एम एचआर प्रोफेशनल फॉर लास्ट 14 इयर्स। इस चैनल पर मैं लेकर के आता हूँ जॉब्स, फ्रीलांसिंग और अर्निंग के नए नए तरीके। आज मैं बताने वाला हूँ एक बिल्कुल ही न्यू फ्रीलांसिंग वेबसाइट के बारे में, नाम है एक्वेंट। एक्वेंट पे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन काम करके एक हैंडसम मनी अर्न कर सकते हैं। एक्वेंट एक रिक्रूटमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म है जो पिछले 30 साल से हाईली स्किल रिमोट फ्रीलांसर सप्लाई कर रहा है। इसके पास एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो मार्केटिंग, क्रिएटिव पीपल और प्रोसेस डेडलाइन को मैनेज करता है। यह वेबसाइट कोई स्टाफिंग एजेंसी नहीं है, ये क्लाइंट्स और फ्रीलांसर दोनों से पार्टनरशिप करते हैं। और जैसे ही आपका प्रोफाइल किसी क्लाइंट के रिक्वायरमेंट से मैच करता है तो आपके पास एक अलर्ट आता है, और अगर क्लाइंट को लगता है कि इस जॉब को करने के लिए आप फिट हैं तब क्लाइंट आपसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करता है। इसमें क्लाइंट राइट पर्सन फॉर राइट जॉब को ही कॉन्टेक्ट करता है, इसलिए आपको अपना जॉब का स्टेटस हमेशा चेक करते रहना चाहिए और न्यू जॉब का अप्लाई करते रहना चाहिए। जैसे ही आपका इंटरव्यू एक बार हो गया उसके बाद आपका प्रोफाइल सारे क्लाइंट्स के पास पहुंच जाएंगे और तब आपको जॉब जल्दी मिल जाएगी। अब आइए लैपटॉप पे चलते हैं और जानते हैं कि इस पे अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं और जॉब अप्लाई कैसे करते हैं। गूगल ब्राउजर में आप टाइप करेंगे www.equent.com या इस वेबसाइट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, फिर आप इस पेज पे आ जाएंगे। equent.com पे अकाउंट बनाने के लिए आप यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे, फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्रिएट एन अकाउंट, इस पे हम क्लिक करेंगे। इस ड्रॉप डाउन से अपना कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैं फॉर वर्क के लिए अप्लाई कर रहा हूँ या अकाउंट बना रहा हूँ, मैं फॉर वर्क को सिलेक्ट करूँगा। फिर आप यहाँ पे नाम डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ पे फ़ोन नंबर डालेंगे। यहाँ पे आप अपना नियरेस्ट लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, जैसे आप इंडिया से हैं तो इंडिया के नियर बाय में और कौन सा कंट्री लगता है उसको आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा है लेट्स गेट योर प्रोफाइल सेटअप, स्टार्ट विथ योर वर्क एक्सपीरियंस। यहाँ पे यूज योर रिज्यूमे पे क्लिक करके अपना रिज्यूम अपलोड करेंगे। यहाँ पे आपका नाम ऑलरेडी डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे आप अपना पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पे पासवर्ड को कन्फर्म करेंगे। पासवर्ड का रूल ये है कि ये मिनिमम 8 करेक्टर और नंबर का होना चाहिए, जिसमें 1 अपर केस होना चाहिए, 1 लोअर केस होना चाहिए, 1 स्पेशल करेक्टर होना चाहिए। फिर नीचे आएंगे, इस जॉब के लिए किसी ने आपको रेफर किया है, यहाँ पे येस और नो लिखेंगे। इस बॉक्स में आप अपना पोर्टफोलियो यूआरएल लिखेंगे, आप अपना लिंक्डइन का यूआरएल यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फिर ड्रॉप डाउन से आप अपना एरिया और एक्सपर्टीज को सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। अब आपका अकाउंट सेटअप हो चुका है, अब आपको 3 चीज़ों पर ध्यान देना है। पहला है गेट नोटिस, दूसरा है सर्च फॉर जॉब्स, तीसरा है बिल्ड स्किल्स। गेट नोटिस के अंदर आप अपना प्रोफाइल के बारे में देखेंगे कि 100% कम्प्लीट है या नहीं। सर्च फॉर रिजल्ट के अंदर आप देखेंगे एक्वेंट के अंदर कितनी अपॉर्चुनिटी है फॉर्चून 500 में। एक्वेंट की एक सिस्टर कंसर्न कंपनी है विटामिन टी, उसमें भी आपको लगातार चेक करना पड़ेगा कि कब कब इसमें अपॉर्चुनिटी आती है, और उस तरीके से आपको इसको रिप्लाई करना पड़ेगा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन है बिल्ड स्किल्स। बिल्ड स्किल्स के अंदर में आपको अपने टैलेंट को, आपको अपने स्किल्स को बूस्टअप करते रहना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट गेट नोटिस में आप चेक करेंगे कि आपका प्रोफाइल 100% कंप्लीट है या नहीं, इसके लिए आप चेक इन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप कंप्लीट योर प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। अब आप नीचे आएंगे, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन पहले दिया हुआ वो सब चीज़ यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे मैंने स्किल्स डाला था ग्राफिक डिजाइन के बारे में, उसके बारे में हमें समरी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, उसके लिए हम एडिट पे क्लिक करेंगे। आप ग्राफिक डिजाइन कितने अच्छी तरीके से कर सकते हैं और प्रीवियसली आपने क्या क्या काम किया हुआ है उसके बारे में 2 से 3 लाइन यहाँ पे लिखना है। फिर सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे, अवार्ड्स एंड प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी आपको किस कंपनी में अवार्ड मिला था उसको यहाँ पे मेंशन करना है। इमेजेस फ्रॉम द पोर्टफोलियो, यानी आपके पोर्टफोलियो से एक इमेज यहाँ पे ऐड करना है। वर्क सैंपल वेबसाइट, यानी जिस वेबसाइट पे आपने काम किया है उस वेबसाइट का सैंपल यहाँ पे और लिंक यहाँ पे डालना है। सक्सेस स्टोरी में आप अपना स्टोरी बताएंगे कि आपने किस कंपनी में कितना काम किया और आपको कितनी सफलता मिली है। फिर आप अपडेट योर स्टेटस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा जॉब प्रीफरेंसेज, आर यू कंसीडरिंग ए न्यू अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे येस और नो में क्लिक करेंगे। व्हेन यू आर अवेलेबल, यहाँ पर ड्रॉप डाउन से आप अपना अवेलेबिलिटी को सिलेक्ट करेंगे, आप कब कब अवेलेबल हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे अवेलेबल नाउ पे भी क्लिक कर सकते हैं। फिर नीचे आते हैं, यहाँ पर आपको अपना जॉब टाइप सेलेक्ट करना, आप टेम्पोररी करना चाहते हैं, परमानेंट करना चाहते हैं। यहाँ पर जॉब का आवर सेलेक्ट करना चाहते हैं, आप पार्ट टाइम करना चाहते हैं, फुल टाइम करना चाहते हैं, वर्क प्लेस आप ऑन साइट करना चाहते हैं या रिमोट करना चाहते हैं, उसमें आप चेक मार्क लगाएंगे। फिर नीचे आते हैं, आपका मिनिमम आवरली रेट क्या होगा यहाँ पे आप मेंशन करेंगे, आप कौन सा दिन काम करना पसंद करेंगे वो आप यहाँ पे लिखेंगे, और लास्ट में आपकी डिजायर्ड सैलरी क्या है पर पाउंड पर ईयर के हिसाब से आप यहाँ पे मेंशन करेंगे।
और लास्ट में आप अपनी लोकेशन यहाँ पर लिखेंगे, फिर सेव पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से आपका प्रेफरेंस अपडेट हो जाएगा। फिर टैलेंट रिवार्ड पे क्लिक करेंगे। अगर आप अपने फ्रेंड को कोई जॉब रेफर करते हैं तो आपको 200 पॉइंट्स मिलेंगे। उसका रूल्स एंड रेगुलेशन नीचे लिखा हुआ है। जैसे आप किसी फ्रेंड को एक जॉब रेफर करते हैं, फिर आपका फ्रेंड उस जॉब के लिए प्लेस्ड हो जाएगा, और जैसे ही आपका फ्रेंड फर्स्ट टाइम कार्ड सबमिट करेगा आपको 200 पाउंड मिलेंगे। तो अगर आप अपने फ्रेंड को जॉब रेफर करना चाहते हो तो सबमिट रेफर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपने फ्रेंड का नाम लिखेंगे जिसको भी आप ये जॉब रेफर कर रहे हैं। यहाँ पे लास्ट नेम लिखेंगे, यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखेंगे, यहाँ पे ईमेल आईडी लिखेंगे। आपके फ्रेंड का एरिया ऑफ एक्सपीरियंस क्या है यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। आप जिस फ्रेंड के लिए भी ये जॉब रेफर कर रहे हैं उनको आप इंटीमेट कर देंगे ताकि इक्वेंट और विटामिन टी से कॉन्टेक्ट कर सके। फिर आप अपने फ्रेंड का यहाँ पे लोकेशन डालेंगे, फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब आप पिछले विंडो में आ जाएंगे जहाँ पे आपने प्रोफाइल सेटअप किया था, फिर इक्वेंट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से आप होम पेज पे आ चुके हैं। फ्रेंड्स, इक्वेंट एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अपनी स्किल्स को एक्सप्लोर करने के लिए। अभी तक मैंने ये चर्चा किया है कि अपना प्रोफाइल कैसे सेटअप करना है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जॉब कैसे सर्च कर सकते हैं। जॉब सर्च करने के लिए आप इस कैरियर पे क्लिक करेंगे। इसमें आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे जिसमें पहला है अपॉर्चुनिटी, उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे आप अपना कीवर्ड डालेंगे। जैसे जो भी आपका स्किल्स है, जिस स्किल्स के लिए आप जॉब सर्च करना चाहते हैं वो स्किल्स यहाँ पे डालेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने जो प्रोफाइल बनाया है वो ग्राफिक डिजाइनर के लिए बनाया था, मैं यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनर डालूंगा। आपके पास जो दूसरा स्किल होगा, जो भी स्किल्स होगा, वो स्किल्स के अनुसार यहाँ पे कीवर्ड में डालेंगे। इस तरीके से आप अपना यहाँ पे की स्किल्स डालेंगे। यहाँ पे आप मोड सेलेक्ट करेंगे, आप किस तरीके का जॉब करना चाहते हैं। जैसे मैं रिमोट जॉब करना चाहता हूँ। फिर फाइंड जॉब पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आपके स्किल से मिलता हुआ जॉब का लिस्ट शो हो जाएगा। जैसे मैं इस जॉब को ओपन करके देखता हूँ, यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। जैसे लोकेशन में पोर्टलैंड लिखा हुआ है, जॉब टर्म्स टेम्पोररी है, यहाँ पे सैलरी लिखा हुआ है, यहाँ पे स्टार्ट डेट लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे इमीडिएट जॉब स्टार्ट होने वाला है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एज सून एज पॉसिबल। यहाँ पे पोस्ट करने वाले का नाम लिखा हुआ है और किस डेट में जॉब पोस्ट हुआ है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है फुल टाइम ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत है, ये जॉब की ड्यूरेबिलिटी 6 मंथ है। यहाँ पे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा हुआ है, यहाँ पे जॉब रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है। फिर नीचे आते हैं, इस जॉब को करने के लिए आपके पास क्या आइडियल एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या नॉलेज होना चाहिए, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हम इस जॉब को क्वालिफाई करते हैं तो हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे और इसको अप्लाई करेंगे। इस बॉक्स में आपको अपने बारे में लिखना है कि आप इस काम को करने के लिए बेस्ट कैसे हैं। फिर आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी मेरे लिंक्डइन का URL शो हो रहा है, आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से आपका जॉब अप्लाई हो जाएगा और ये अप्लाई किया हुआ जॉब जैसे ही एम्प्लॉयर को पसंद आएगा वो आपको इंटीमेट करेगा कि आपको अब काम शुरू करना है। फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा करके ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि जॉब, फ्रीलांसिंग और अर्निंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मैं बना चुका हूँ और बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, शेयर हैप्पी।